हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट के लड्डू और ये लड्डू 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ना ही हम इसमें चीनी का यूज़ करेंगे, ना ही गुड़ का, और ना ही इसमें घी डालेंगे हम। और तब भी ये लड्डू देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और सभी को बहुत पसंद आएंगे और बच्चे भी इसे आराम से खा सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें 1 कप नारियल डालेंगे। तो ये सूखा नारियल है, तो इन लड्डू को बनाने के लिए सूखा नारियल ही लें और नारियल को पीस लेंगे। तो मैंने नारियल को दरदरा पीस लिया है। अब इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और देखिए नारियल अच्छे से पीस गया है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब उसी मिक्सी के जार में हम और ड्राई फ्रूट डालकर पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने अखरोट लिया है, तो 1/3 कप अखरोट है ये। आधा कप हमने बादाम लिए हैं और 1/3 कप काजू लिए हैं। इसमें आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 1/4 कप किशमिश ली है मैंने यहाँ पे, और 1/3 कप खजूर लिए हैं। तो खजूर के मैंने बीज हटा दिए हैं। अगर आप खजूर डालना पसंद नहीं करते हैं तो आप किशमिश को आधा कप लें। और अभी ने दरदरा पीस लेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट को मैंने दरदरा पीस लिया है और देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग आ रही है इसमें। तो लड्डू इसके आराम से बन जाएंगे। अब इन्हें कोकोनट का जो पाउडर पीस कर रखा था हमने, उसी के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिला लेंगे। अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें घी डाल सकते हैं या फिर खजूर थोड़े से और पीस के डाल सकते हैं। तो लड्डू आसानी से बन जाएंगे। तो जो खजूर और किशमिश हमने डाली है उससे लड्डू में बाइंडिंग भी अच्छी आएगी और उससे लड्डू में मीठा भी हो जाएगा। तो बस अब इसके लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू थोड़े छोटे साइज के ही बनाएं क्योंकि ये ज़्यादा बड़े साइज के लड्डू खाए नहीं जाते हैं। तो छोटे छोटे साइज के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इन लड्डू को आप सुबह सुबह खा सकते हैं या बच्चों को भी दे सकते हैं। सुबह सुबह बहुत ही अच्छे होते हैं ये सेहत के लिए, क्योंकि हमने इसमें चीनी का यूज़ भी नहीं किया है और ना ही हमने इसमें घी डाला है। तो देखिए कितनी फटाफट से लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो आप भी ज़रूर बनाएं और खाएं। और अगर सुबह सुबह ये लड्डू एक खा लेते हैं तो पूरे दिन शरीर में एनर्जी रहती है। तो आप ज़रूर से बना करके खाएं। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनको भी ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे। तो उनको आप इस तरीके से बना करके खिला सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। थैंक यू।